अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। आपको किसने कहा आप बहुत अच्छे हैं? अच्छा चलो, नहीं ठीक है, बोलो तो क्या पकाने लगे हैं आज शामिल आप लोगों के लिए। पालक चिकन, हाँ, पालक चिकन पका रहे हैं आज हम लोग। और आज शमीर पालक चिकन बनाएंगे आप लोगों के लिए। तैयारी मैंने उनको कर दी है और हम इतने आसान तरीके से बनाएंगे कि वो शमीर भी बना सकता है और जितने भी न्यू बिगिनर्स हैं जो खाना सीखना चाहते हैं और जल्दी जल्दी बनाना चाहते हैं वो भी इसको बना सकते हैं। ये हमारे घर का अस्सलाम एक मेन करेक्टर प्रीजे भी आ गई हैं वालेकुम। और प्रीजे जो हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हैं, वो छोटे भूत को संभाल रही हैं। अब छोटे भूत की कोशिश होगी कि मैं वो सब कुछ करूं जो बाकी सब बड़े कर रहे हैं। शान से फ्रेंड्स, अब ये हमारे घर की सबसे छोटी है, हम कर भी कह सकते हैं इसको। बस हमने एक दफा नहीं कह देना है, इसने वो पिटना डालना होता है, हमारा वो पिटना डालना होता है कि बस हमारी अम्मा बस हो जाती है। चलिए खाना शुरू करते हैं। प्रीजे आप भी हेल्प करेंगी। चलें जी, ये हमने तैयारी थोड़ी सी कर दी है शमीर को, ठीक है। मैं अब हम चूल्हा जला देते हैं। जला लेता हूँ, मैं जाऊंगी, मैं खुद ही जला लूंगा। चलें भाई, आज इन दोनों ने ही करना है, देखते हैं क्या हाल होता है हमारे सालन का। आज लजीज तरीन खाना बनेगा, लजीज। मम्मी अभी रुक जाए, अभी ऑयल गरम होने दे। ऑयल गरम हो रहा है। ऑयल डाले, ओ शांति क्या हो रहा है? ओए ऑयल गरम हो रहा है, वाह जी वाह। बाय इधर देखो, सबको बाय करो। हेलो, नहीं चलें जी, अब देखते हैं, थोड़ा सा सालन की तैयारी की तरफ जाते हैं। कितना अच्छा लग रहा ये ऑयल हमने डाल दिया है, ठीक है। अपने हिसाब से मैंने पहले ही शमीर को डाल दिया था। शमीर अब मुझे बताएं कि प्याज कौन सी है। प्याज, प्याज ये है। हाँ, अब आप प्याज कैसे डालेंगे हांडी के अंदर कि आपके हाथ भी ना जले और प्याज भी हांडी में जली जाए। इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा और उसके अंदर ऐसे कर दूंगा, ऐसे ऊपर से फेंक देंगे तो फिर तो छींटे आपके हाथों पे पड़ेंगे। फिर चले आप पकड़ें और आराम आराम से आपने उसके अंदर डालनी है। वो जो वुड वाला स्पून मैंने रखा है, डोई जो है उससे आप आहिस्ता आहिस्ता इसको डाल सकते हैं। ऊपर करो ट्रे को। प्रीजे आए, आप जरा हेल्प करें शमीर की। हाँ आ, एक बच्चा चम्मच चला लेना, उधर ही लड़ना शुरू हो जाते हैं। इसको डालना अंदर ऐसे, आप चम्मच चला लेना ना। ये देखो प्रीजे ने डाल दिया है प्याज। दोनों मिलके करेंगे। भाई बहन मिलके काम करते हैं सपनों में। सपनों में ऐसे नहीं हिलाते। ये देखिए मैं आपको बताऊं, इधर दिखाएं, ये दिखाएं मुझे। बस बार बार उसको हिलाने की जरूरत नहीं है। ये जी खाना तो बाद में बनेगा, खुद को पहले भूख लग गई है। चलो जी, ये आप नीचे भी देख लें कि शमीर स्टूल के ऊपर खड़े होके जो है ना वो खाना तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और ये फिर से चढ़ गए हैं स्टूल के ऊपर और इस काबिल भी नहीं है कि बिस्किट का पैकेट खोल सकें। और बनना इन्होंने शेफ है, इंजीनियर बनना, खाने का इंजीनियर। चलें बताएं प्लीजे। ये अभी जो अनियन है इनको हमने थोड़ा सा और ब्राउन होने के लिए रख देना है। क्यों? वो थोड़ा स्वाद आ जाता है। नहीं तो सालन का कलर जो है वो खराब हो जाएगा अगर आप प्याज को ज्यादा ब्राउन करेंगे तो। अब वो लहसुन अदरक है, छोड़ें, ये दिखाएं इधर आगे करें जी। ये लहसुन अदरक है, हमने पहले से बना के रखा होता है, वक्त की बचत और जल्दी से बस खाना बन जाए। ये देखिए इतना मैं डाल रही हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा डालती हूँ, मुझे लहसुन अदरक का फ्लेवर सालन में ज्यादा पसंद है। हाँ जी शमी, चले ये मैंने डाल दिया लहसुन अदरक। और अभी शमी मेरा बिस्किट चुरा के ले चुका है।
अपना भी खा चुका है और उसका भी ले गया। हमारे घर में आप लोगों को यही होते हुए दिखेगा कि हल्का सा लहसुन अदरक जो है वो गोल्डन होता है, तो बस पिज्जा इसमें चिकन डालते हैं। हाँ खाना पसंद है लेकिन हाथ लगाना पसंद नहीं है। हाथ से डालना है। ये हमने इसमें चिकन डाल लिया। अच्छा अब जरा बुनाई का टाइम है तो मैंने टेक ओवर कर लिया हांडी को। अच्छा इसमें ऐसे है कि ये जो रेसिपी है ना ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ये डेली रूटीन के खाने हैं और ये डेली रूटीन के जो खाने होते हैं ये कोई बहुत फैंसी तरीके से तैयार नहीं किए जाते, ये सबको पता है। हाँ हम पालक चिकन बनाते हैं जैसे दावतों पे बनाया या ईद पे बनाया तो उसका उसकी रेसिपी फ़र्क होती है, और ये जो डेली रूटीन में हम रोटी के साथ खाने के लिए चपाती के साथ खाने के लिए ये बनाते हैं इसकी रेसिपी जो है वो फ़र्क होती है। ठीक है कॉमन तरीके से बनाते हैं सादे मसालों के साथ और बहुत अच्छा इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ हमेशा और बहुत अच्छा बनता है। अब ये चिकन जो है वो प्याज और लहसुन अदरक डालने के बाद हमने फ्राई कर लिया है। कलर आप देख रहे हैं चिकन का जो है पिंकिश कलर ख़त्म हो गया है और उसका जो फ्राई का कलर है वो आ गया है। ठीक है तो आप भी कमेंट करके अपनी पालक की रेसिपी बताएं कि आप कॉमन तरीके से जो डेली घर में पालक बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। ये हो गया यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अब ये टमाटर है 3 से 4 टमाटर वो मैं इसमें डालने लगी। जोर से चम्मच मैंने चलाया कि मैंने हांडी फुड़का दी है। ये बनाई हो गई। अब टमाटर इसमें जब तक नरम होते हैं साथ साथ काम भी करते जाने हैं ना अपने, साथ साथ ये लहसुन अदरक अब वापस फ्रिज में चला जाएगा। तुमने हिलना तो है ही नहीं ना। चलें जी ये टमाटर जो है हमारे नरम हो गए हैं। ठीक है अब इसमें डालने हैं ये 5 कॉमन मसाले हैं जो मैं अपने हर घरेलू सालन में इस्तेमाल करती हूँ। नमक, हल्दी, सूखा धनिया और ज़ीरा, ये मैंने भून के इसको मैं पीस के रख लेती हूँ। मिर्च और देगी लाल मिर्च, ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि इससे सालन का कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है। और दूसरी मिर्चें, हम मसाले ज़रा तेज़ खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं ज़रा ज़्यादा डालूंगी, तो आपने घबराना नहीं है कि घबराना नहीं है आपने बिल्कुल कि ये क्या हो गया है। ठीक है हमारी जो क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग हम ये बिल्कुल ठीक रहता है जायका इसका। ठीक है अब हम मसाले डालते हैं। एक चम्मच भर के ये इतना ये हम हल्दी का डालते हैं। धनिया और जी मिर्च, घबराना नहीं है इसकी देख के ये इतनी ज़्यादा कैसे डल गई, और आधी ये देखिए ठीक हो गया। अब इसको मिक्स करते हैं।
इसकी ये शक्ल बन जाएगी। इसको थोड़ा सा भुनने देंगे। ये दही जो है ये हमने फेंट के रखी हुई एक प्याली। बहुत से लोग पालक में दही इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम मैं करती हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे तो उसमें ये दही आपने डालना है, ठीक है। एक छोटी सी प्याली जो है ये दही की है, फेंटी हुई है हमने इस तरह से। इसको थोड़ा सा ये भुनेगा तो हम इसमें ये दही डालेंगे। मसाले अपने वापस रख लेते हैं। चलें जी, ये भी साथ साथ निपट गए। देखिए हल्का हल्का घी जो है ये छोड़ दिया। ये मसले मसाइल भी होते हैं, ठीक है। खाना बनाते हुए और अक्सर काम करते हुए बच्चों को मसला होता है कि हमें पकड़ा जाए और काम ना किया जाए। ये देखिए ये घी छूट गया। अब इसमें डालेंगे ये दही। ये फेंटा हुआ एक प्याली, ये छोटी सी प्याली है, बड़ी प्याली नहीं है, कस्टर्ड वाली प्याली नहीं है, छोटी प्याली है। दही भी डाल दी। इसको हिला लेते हैं। लाइक दिस हो गया। अब डाल इसको जरा कवर कर देते हैं जब ये थोड़ा सा घी छोड़ देगा। तो हम इसमें पालक डाल देंगे। अच्छा जी, ये देखिए ये पालक हमने इसमें डाल दी थी, ठीक है। धुली हुई पालक इसमें डाल दी थी और कटी हुई। और सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि हम इसमें बॉयल पालक नहीं मैं यूज़ करती। मैं वैसे ही रॉ पालक ही जो है वो धो के और मोटी मोटी काट के जैसे होता है ना, वो ये देखिए आपको इससे अंदाजा होगा, वो मैं इसमें डालती हूँ। अब ये है कि आपने जब मेन जो पॉइंट है इसका कि आपने जब पालक इसमें डाली है ना तो आपने इसको कवर नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको कवर करेंगे तो इस एदा जड़ा पानी है ना वो नहीं खुशक होना, वो नहर ही बंद ही जानी है बिच। तो पानी उदो ही खुशक होएगा जदों एदे उत्ते तुसी ढक्कन नहीं दबोगे। अच्छा जी, ये देख लें, ये इस कंडीशन में आ गई है कि हमने इसका पानी जो है वो इतना जितना इसके अंदर भरा हुआ था वो तकरीबन हमने ड्राई कर लिया है, ठीक है। अब इसको हमने कवर करना है क्योंकि इसने घी छोड़ना है। जब तक पालक घी नहीं छोड़ेगी तो उसमें वो लुक नहीं आएगी सालन की। ये तकरीबन 3-4 हरी मिर्चें मैंने इसके ऊपर ऐसे ही फेंक देनी है और उसके बाद मैंने इसको कर देना है कवर। लें जी, ये हो गई कवर। अब इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, कि ये घी छोड़ दें। फिर मिलते हैं, ढक्कन उठाएंगे और आपसे मिलेंगे। दोस्तों, अभी हमने आपको पालक बनाते हुए दिखाई थी। अब चलिए हम देखते हैं उसकी फाइनल लुक। काफ़ी ही टेम्पटिंग लग रहा है, देखते हैं। आह, कैसा धुआं निकला और कोको आ गई है खाने। ये जी पालक रेडी है, घी छोड़ चुकी है, धुआं निकल रहा है और ये रोटी के साथ खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम आपको तो बता नहीं सकते, लेकिन खुशबू भी बहुत अच्छी भुनी हुई इसमें से आ रही है। अब इसको खाएंगे तो फिर आपको बताएंगे, और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शक्ल से कैसी लग रही है।
चलिए जी, अब ये बच्चे इसको खाएंगे तो आपको बताएंगे। और मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, छोटा सा और प्यारा सा। आप लोग हमारी न्यू फैमिली हैं, आप लोग हमारे फैमिली मेंबर जैसे ही हैं, तो आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतनी जल्दी हमारे इतने सब्सक्राइबर्स कर दिया आपने, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और जो हमारी वो कचनार वाली वीडियो थी ना, उसके ऊपर आपने बहुत लाइक्स दिए हैं, तो गाइस आप लोग नाइंसाफी कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो में इतने लाइक्स नहीं देते, आप शानी को ज़्यादा लाइक करते हैं शायद। चले आप इस वीडियो को अब हम एंड करते हैं और हम आपको टेस्ट करके भी बताएंगे कैसा लगता है। अल्लाह हाफिज़।